हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और आप लोग को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी ईद। और सुबह सुबह का टाइम है, काम शुरू हो गए हैं और बहुत सारे कपड़े, क्या बेडशीट वगैरह थी वो दो बार से मैंने निकाल के रखी और बारिश की वजह से धुल नहीं पाई थी। और वह और कपड़े तो मैं हाथ से डेली धुल ही लेती हूँ, लेकिन ये डोरमैट हो गए, बेडशीट हो गई और कुछ कपड़े होते हैं थोड़े बहुत, जैसे फ्रिज का कवर हो गया, टॉवल वगैरह हो गई, ये मैं हफ्ते में धुलती हूँ और वाशिंग लगाती हूँ तभी धुलती हूँ इकट्ठा। तो बस यहाँ पे ये भी मेरी हेल्प करते हैं। और जब कभी जैसे ज़्यादा काम होता है या फिर ये घर पे हैं, इनके पास टाइम है, तो ये अक्सर मेरी हेल्प कर दिया करते हैं। और यहाँ पे बस मैं नीचे अपना धुलाई कर रही थी, ये कपड़े जैसे निकाल निकाल के मुझे दे दे रहे थे, मैं खंगाल ले रही थी, ड्रायर कर दे रहे थे। और उसके बाद पे यहाँ ये गेट वगैरह बहुत डस्ट वगैरह जम जाती है ना, तो जब मैं कभी जैसे कपड़े वगैरह धुलती हूँ और पाइप पानी से चलता रहता है, तो गेट पर हाथ से ऐसे ही पाइप लगा के थोड़ा सा धुल देती हूँ, तो डस्ट वगैरह साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे ऊपर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी और डस्टिंग भी कर दिया था, बेडशीट वगैरह मैंने सब चेंज कर दिया था सारे काम, तो पोछा लगाना रह गया था, तो दीपू लगा रही हैं पोछा। और पूरे घर में ऊपर से नीचे तक जब लगाती है तो थक जाती है, बच्चे क्योंकि इतना जैसे डेली कर नहीं रहे हैं, तो जब करते हैं तो हाँ, वैसे जब छुट्टियां चल रही थी तो डेली ही कर रही थी ये लोग, लेकिन अभी तो बस क्लास सुबह सुबह शुरू हो जाती है, तो इसलिए अभी आज छुट्टी है तो लगे हुए हैं सारे लोग काम में। और दीक्षा भी यहाँ पे वॉशमेशन साफ़ कर रही हैं, तो ये सारे काम ये लोग सब मिलके कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा सुबह। और इन लोग को भूख लग गई थी, सबको, बच्चों को सुबह सुबह होता ही है, काम भी किए थे, तो मैंने कहा चलो पहले इन लोग को नाश्ता बना के दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहा धो के पूजा पाठ करके, तो हम लोग तो तभी नाश्ता करेंगे, पर बच्चों को दे देती हूँ। तो यहाँ पे बस मेयोनीज लगा रही हूँ, ब्राउन ब्रेड हैं और टोमेटो केचप निकाल रखा है, काला नमक है, चाट मसाला है और खीरे हैं, तो बस यही वाला सैंडविच बना के इनको जल्दी जल्दी से दे दूंगी। और इन लोग को अच्छा भी लगता है, बच्चों को। और ये चाय भी मैंने साथ में चढ़ा दी है, इधर दाल भी रख दिया है, तो सारे काम बस हो रहे हैं झटाझट। ये वाला सैंडविच बहुत आसान है, बच्चे भी, आप बोल देंगे ना तो बच्चे भी बना सकते हैं, दीपू देव ये लोग ये बना लेते हैं सैंडविच। और अगर ये भी नहीं डालना है तो आप सिंपल अगर मेयोनीज अगर लगा देते हैं, और ब्राउन ब्रेड हेल्दी होते हैं तो वो हैं, उस पर थोड़ा सा मेयोनीज लगा दिया, मेयोनीज के ऊपर बस खीरा रख दिया, खीरा कद्दूकस करके या फिर ऐसे काट के खीरा रख ली, ये होता है काट के रखते हैं हम, तो थोड़ा सा इधर उधर से निकलने लगता है जब हम खाते हैं, इतनी दिक्कत होती है, लेकिन टेस्ट अच्छा होता है। सिर्फ मेयोनीज और खीरा रख के ही बच्चों को दे दीजिए, तब भी अच्छा लगेगा, बहुत हेल्दी भी रहता है। और एक चीज़ और, इसमें आप प्याज टमाटर ये भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने सिर्फ खीरा डाला है तो इसमें प्याज टमाटर वो भी डाल दीजिए, उसके बाद ये मेयोनीज, टोमेटो केचप और ये सारी, मतलब पकाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये चीज़ है ना कि ऐसे फटाफट से लगाते जा रहे हैं। और इन लोग का बस नाश्ता इतनी जल्दी से ये तैयार हो गया था, चाय मेरी बन गई थी तो मैंने कहा ज़्यादा ही पकते पकते जल जाती, कभी कभी ऐसा होता है, मैं काम करने में लगी रहती हूँ, सोचती हूँ अभी बंद कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ, चाय जल जाती है, मैंने पहले ही गैस बंद कर दी है। और इधर सैंडविच भी इन लोगों के बन गए हैं, तो बस इन लोग को दे दूँगी नाश्ता करने के लिए। और मैं ब्रेड वैसे हफ्ते में एक ही दिन का रहता है, मैं डेली ब्रेड के लिए नहीं करती हूँ, ब्रेड वाले नाश्ता चाहे जो है हफ्ते एक दिन दो दिन ऐसे ही होता है। और जानते ही आप लोग, कभी रोटी, कभी पराठा, कभी चावल फ्राई कर दिया, कभी ब्रेड का दे दिया, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं और बच्चे बोर भी नहीं होते हैं और अच्छा भी लगता है। जो चीज़ डेली खाओ तो वो बोर हो जाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए अगर कुछ कुछ दिन पे देते रहें तो बदलता रहता है और अच्छा भी लगता है। बस नाश्ता हो गया है रेडी और चाय भी हो गई है तैयार, इन लोग को नाश्ता दे के अब जा रही हूँ मैं अपना काम करने। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और पूजा हो गई है और बस हम नाश्ता होगा। और ये चुन्नी अलग कलर की है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अलग दुपट्टा क्यों लेती हूँ मैं।
तो अलग दुपट्टा मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि जैसे जो हम सूट पहनते हैं, सूट तो मैं धुल देती हूँ पर दुपट्टा डेली डेली नहीं धुलती हूँ, और मंदिर में जाती हूँ तो मुझे साफ चाहिए होता है, तो इसलिए मैं दुपट्टा एक रखती हूँ, या एक चुन्नी रख रखी है मंदिर में तो वो ले लेती हूँ, या फिर दुपट्टा जो साफ रहता है वो लेती हूँ। डेली डेली दुपट्टा अगर हम धुलते हैं तो उसका कलर चला जाता है, तो इसीलिए दुपट्टे नहीं धुले रहते। तो जब मैं पूजा करती हूँ, साड़ी है तो कोई नहीं, साड़ी तो धुली ही होती है, पर दुपट्टे के लिए अलग रहता है, जैसे कि आज अलग है, अभी दूसरा ले लूँगी। और बस अब नाश्ता करते हैं। तो हम लोगों का नाश्ता खाना सब हो गया है, और यहाँ पे कपड़े सूख गए थे तो बस देव को बोल दिया था, और कपड़े मैं उतार ले गई थी थोड़े से, ये डोरमेट वगैरह नहीं सूखे थे तो ये छोड़ दिया था, क्योंकि ड्रायर कर देते हैं मशीन में तो थोड़ी सी धूप लग जाए तो सूख जाते हैं। लेकिन सुबह बारिश हो रही थी और डर लग रहा था, ये मुझे मना कर रहे थे कि बारिश हो रही है, कपड़े मत धुलो मत लगाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, कपड़े बहुत दिन हो गए हैं धुलने हैं, गंदे हैं, तो मैंने लगा ही दिया था, लेकिन भगवान ने सुन ली और धूप निकल आई। तो बस मैंने कहा कि चलो अब कपड़े धुलना इतना ही होता है, उसके बाद कपड़े रखना भी एक काम होता है मेरे लिए, तो जब तक मैं रख नहीं लेती हूँ, मुझे हर चीज़ टाइम से करना ज़्यादा पसंद है। अगर कोई काम है मैं कोशिश यही करती हूँ जो मेरा टाइम है, जो मेरा रूटीन है वो रहे, क्योंकि उससे मुझे संतुष्टि रहती है। अगर बिना टाइम अगर हम छोड़ देते हैं काम को ना, तो एक टेंशन बनी रहती, पूरे दिन उलझन में बीतता है कि अरे अभी ये काम पड़ा है, अभी करेंगे तब करेंगे, तो काम भी लेट होते हैं और एक उलझन भी रहती है पूरे दिन। अगर हमारा ये टाइम, इस टाइम में हमें झाड़ू पोछा करना, इस टाइम में खाना नाश्ता, इस टाइम में कपड़े, और इस टाइम में झाड़ू, मतलब शाम की झाड़ू जैसे हो गई, दिया बत्ती, हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, तो हम चलते रहते और अपने लिए भी टाइम फिर निकाल लेते हैं, अपना भी ध्यान रख लेते हैं, और बच्चों से भी बैठ के थोड़ी बहुत बातें हो जाती है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। मैं अपना काम टाइम रूटीन से ही करना पसंद करती हूँ। दोस्तों ये देखिए बारिश हो रही है, शुरू हो गई बारिश, और मैं आज सोच रही थी, डर रही थी कि पता नहीं बारिश होगी तो कैसे कपड़े सूखेंगे, इतने सारे कपड़े धुले हैं, दूसरा डोरमेट वगैरह धुल दिए थे, अगर सूखेंगे नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन शुक्र था धूप हो गई, अच्छे से कपड़े सूख गए। और ये देखिए अब बारिश हो रही है और अच्छा भी लग रहा है, तभी शाम का टाइम है और अभी कुछ काम पड़े हुए हैं, तो शाम को आज सिंपली ये लोग, बस मैंने चावल फ्राई किए थे और ये लोग खा चुके हैं, अभी बनेगा खाना, और एक दो काम है तो वो बस काम कर लूं और फिर। तो आज रात के खाने में पनीर बन रहा है, और लाइट भी चली गई थी तो थोड़ा सा लेट हो गया है, और हमने इमरजेंसी लाइट एक लेके रखी थी पर पता नहीं कि उसमें कुछ ख़राबी आ गई है, तो एक लाइट लेनी है। लाइट वैसे ज़्यादा जाती नहीं है कभी कभी, लेकिन जिस दिन जाती है ऐसा हो जाता है, बार बार जाती है, तो आज ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने बस पनीर को फ्राई कर लिया है, और फ्राई करके ऐसे सिंपल शादी वाली बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा वो जैसे बहुत सारी शाही पनीर, कौन कौन सी पनीर वो तो बनाती हूँ मैं, कई बार बनाई भी, लेकिन आज ऐसी बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस थोड़े से फ्राई करने के बाद खड़े मसाले डाल दिए हैं, और जिसमें तेज पत्ता, जीरा, हींग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, उसके बाद ये प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक का पेस्ट डालूंगी, इसको भूजूंगी, फिर मसाले डालूंगी, फिर टमाटर का पेस्ट डालूंगी, और थोड़ी सी दही डालूंगी, और बस उसके बाद फिर पानी डाल के सब्जी मेरी तैयार हो जाएगी पनीर की, और चावल रोटी यही आज के खाने में है। तो आप लोग कई बार मुझे कमेंट किए हो कि आप बच्चों से हेल्प लिया करिए, अकेले क्यों इतने काम करती हैं, परेशान हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो आज आप लोग भी देख लीजिए कि मेरे बच्चे कितनी हेल्प करते हैं, और जैसे ही पढ़ते रहते हैं या फिर क्लास चलती रहती है इन लोग की, तो मैं खुद भी इनको नहीं बोलती हूँ और मना कर देती हूँ, और कुछ काम मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ, मुझे नहीं, मुझे बच्चों से कराने में फिर वो काम अच्छा नहीं लगता है, तो लेकिन हेल्प करते हैं कई काम, अक्सर देव कपड़े, अक्सर देव दीपू, यही लोग उतारते हैं, जैसे कुछ काम हैं वो अक्सर ये लोग करते हैं। अब मैं क्या बताऊँ, मैं कई चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, पर आप लोग इतना बोलते थे तो मैं इसीलिए अब दिखाना शुरू कर दी हूँ, कि थोड़े बहुत काम बीच बीच में मैं दिखाती रहूँ, ताकि आप लोग भी खुश रहें और मैं भी खुश, आप लोग खुश तो मैं भी खुश, क्योंकि आप लोग के जब कमेंट आते हैं थोड़े से, तो मेरे को वैसा कमेंट रहता तो थोड़ा सा होता है अंदर से दुख की ऐसा है नहीं, फिर भी आप लोग को अगर ऐसा लगता है तो मैं उसको, आपके जो विचार है उसको मतलब थोड़ा सा दिखाऊँगी तो बदलेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। और हम एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, हम किसी को खुश करना चाहें तो नहीं खुश कर सकते, वो
अपने अंदर से होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप देखोगे, अच्छे लगेंगे तो आप वैसे ही खुश रहोगे, और मैं खुश करने की बहुत कोशिश करूँगी पर नहीं खुश कर सकती। और मेरा खाना यहाँ पर तैयार हो गया है, और परिवार का यही मतलब होता है कि एक दूसरे की हेल्प करो, जरूरत हाथों हाथ हो जाता है काम, इसीलिए परिवार बहुत ज़रूरी है। फोन देखना पापा का, सब पॉलिथीन पर डाल रखी है और आ गए हैं बस ड्यूटी से भीगते हुए। क्यों, अच्छा लगा ना? रात में वैसे भी आपको भीगने में मजा आती है। मजा आती है, बारिश कहाँ जाएगी? अबे कोई दिख रहा है? मैं दिख रही हूँ ना थोड़ा थोड़ा सा, और बाकी सब यहीं बैठे हुए हैं। और कैंडल लाइट डिनर होता है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल लाइट डिनर हो रहा है, तो हम लोग बस खाना खा रहे हैं। आज कई बार लाइट जाली और बारिश भी बहुत तेज हो रही है बाहर, तभी बस फटाफट से हम लोग खाना खा ले। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है, रात में तो लाइट ही नहीं आई, काफी लेट हो गया था, लाइट आते आते हम लोग लेट भी गए थे, तो फिर वीडियो का एंड भी नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह आप वीडियो का एंड कर दूँ, और वीडियो आज ही आप लोग के पास पहुंच जाएगा। और आज है दिन बृहस्पतिवार, और अभी मेरे सुबह के काम हुए नहीं हैं, हो रहे हैं, बिस्तर वगैरह झाड़ लिया है। और मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, कोई किरण हैं, किरण जी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आप वीडियो जल्दी अपलोड किया करिए, मैं खाना नहीं खाती हूँ जब तक आपका वीडियो नहीं आता। तो पहली बात तो ये है कि दिल से धन्यवाद, बहुत खुशी होती है, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्लीज़ आप खाना खा लिया करिए, क्योंकि काफ़ी बहुत सारे काम होते हैं, मैं सोचती तो हूँ कि जल्दी डालूँ वीडियो, लेकिन हो ही जाता है लेट, मतलब कुछ काम होते हैं फिर उसमें भी टाइम लगता है, हो नहीं पाता। और वैसे तो मुझे हर काम अपना टाइम पे करना पसंद है, लेकिन ये है कि सुबह से फिर नाश्ता वगैरह, फिर खाना, और फिर सारे काम करके मुझे 2-2.5 घंटे वीडियो एडिट में लग जाते हैं, तो उतना टाइम हो जाता है। तो वैसे मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से और जल्दी डालने की, लेकिन आप खाना खा लिया करिए और वीडियो बाद में देख लिया करिए। चलिए इस वीडियो को एंड करने का भी समय आ गया है, और आप लोग से ये भी बोलने का कि तो प्लीज़ अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छे अच्छे वीडियो मेरे अच्छे अच्छे क्या, अपने से मैं अपने वीडियो को अच्छा ही बोलूँगी, लेकिन आप लोग को अच्छे लगते हैं तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।